साइंस अर्थात सिविक्स में हम देख रहे हैं 11वीं श्रृंखला और यह जो है एमसीक्यू आपके एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। फ्रेंड्स राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रदान करना, ये भी नहीं है। बी सही आंसर है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, और ये अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा की अनन्य शक्ति है। अगला क्वेश्चन है औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जो है सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। यदि यह पूछता कि सामूहिक रूप से कोई भी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति, और जब व्यक्तिगत पूछ लिया तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद को ग्रहण करते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो सही होगा, क्योंकि देखिए 75(2) में उल्लेखित है कि जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, जबकि यदि सामूहिक की बात हो तो सिर्फ एक ही आंसर होगा आपका, वो होगा लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ये, 2 माह के भीतर जो है संसद की अनुमति राष्ट्रपति शासन के लिए मिल जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 118 जो है संसद को ऐसी शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं जब, कब बैठती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति दोनों को इसके लिए बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को फ्रेंड्स सी सही आंसर होगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों के बीच से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो हो जाएगा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला कथन कह रहा है कि 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स बात हो रही है वर्ष 2022 की, तो जो 17वीं लोकसभा है जो 2019 में चयनित हुई, तो 2019 में फ्रेंड्स किसी भी विपक्षी पार्टी को 10% से अधिक जो है सीटें नहीं प्राप्त हुई, और किसी भी विपक्ष को जो है एक नियम है कि जो है, तो फ्रेंड्स ये एक परंपरा चली आ रही है कि विपक्ष के जो पार्टी होती है उसके किसी नेता को जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर जो है उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इस बार किसी को भी 17वीं लोकसभा में जो है किसी भी विपक्षी पार्टी को 10% से ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो इसलिए यह पद वर्तमान में रिक्त है। और जिस समय ये क्वेश्चन पूछा था उस समय फ्रेंड्स जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है चरणजीत सिंह अटवाल जी थे। आगे बढ़ते हैं। वैसे वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स वर्ड पे ध्यान देंगे, अगर पूछता है कौन आहूत करता है तो राष्ट्रपति होगा, कौन संबोधित करता है तो राष्ट्रपति होगा, और पूछे कौन अध्यक्षता करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीकर जो है वो निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, समान मत आने पर यानी टाई होने पर ही वो अपने मत का या निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 2 बार, अर्थात 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है भारतीय संसद के सत्रों में कितना अंतर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 6 माह का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये, अनुच्छेद 83 जो है कहता है कि राज्यसभा जो है उसे विघटित नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर किस देश की देन है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो है कह रहा है क्वेश्चन, ये भी शून्यकाल के बारे में ही है, पूछ रहे भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल अर्थात जीरो आवर का क्या अर्थ होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय। फिर पूछ रहा है कि संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नकाल के बाद का एक घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन फिर से शून्यकाल के बारे में ही है, शून्यकाल का अर्थ पूछ रहा है, तो इसमें जो है आप देख चुके हैं सही आंसर पहला हो जाएगा, प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष को अपना इस्तीफा जो है किसे संबोधित करना होता है? तो वो उपसभापति को जो है, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष या उपसभापति को अपना जो इस्तीफा होता है वो संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियाँ किसे संबोधित की जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति को। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियाँ जो है लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति होता है? आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ये, लोकसभा के प्रति। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि सदन का सत्र अवसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सही आंसर है डी, राष्ट्रपति जो है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो जाए तो क्या किया जाएगा? दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, धन विधेयक पे जो है राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, नहीं संशोधित कर सकती है, अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सही आंसर ए होगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित नहीं माना जाएगा। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब उसे अलग अलग दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, ये 2009 में भी इतनी थी, वर्तमान में भी 245 ही है, वर्ष 2022 में भी। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 25 वर्ष की आयु में, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं लोकसभा में जो है लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जो है 25 वर्ष की आयु में भी कोई व्यक्ति बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल शब्द जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ई, अगला जो क्वेश्चन है सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रधानमंत्री क्या निर्वाचित होता है, नामित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, भले ही वो एक सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित हो करके आता है, वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, वो निर्वाचित भी हो सकता है, नामित भी हो सकता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए जब उसका जो चयन होता है वो राष्ट्रपति के नियुक्ति के माध्यम से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक के संबंध में ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? बिल्कुल नहीं, यह संसद के किसी भी सदन में नहीं, यह लोकसभा में नहीं, ये केवल जो है यह लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स अध्यक्षता की जब भी बात होगी तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे और आहूत करने की बात होगी तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, सेम क्वेश्चन है, देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
फिर से कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। तो यहाँ आहूत शब्द जो है तो इससे आप समझ जाइए कि कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, और अध्यक्षता कौन करता है तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य विधेयक के संबंध में, क्योंकि संविधान संशोधन के विषय में हो नहीं सकती, धन विधेयक में हो नहीं सकती, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वित्तीय समिति नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, आश्वासन जो समिति होती है वो वित्तीय समिति नहीं होती है, अन्य तीनों जो है वित्तीय समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 24 समितियां हैं विभागों से संबंधित, संसद की बात हो रही है यहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राज्यसभा में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 8 है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से वे किस क्षेत्र के होते हैं। साहित्य, कला एवं समाज सेवा, विज्ञान, आसान क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी। साहित्य से वो संबंधित होते हैं, या तो कला या समाज सेवा से, तथा या फिर विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये कूट का प्रयोग करके चुनना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, अर्थात भारत में संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। नाममात्र का कार्यकारी अध्यक्ष सही है, राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, देखते हैं। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना बिल्कुल सही है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, ये तो 100% सही है। और उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, ये जो है संघात्मक और एकात्मक से जुड़ा हुआ लक्षण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स, 1, 3 और 4, तो इस प्रकार हमने देखा इसका जो आंसर है सी है, 1, 3 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सेम क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स लोक लेखा समिति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं कौन कौन से, लोकसभा के 30 सदस्य, बिल्कुल नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, ये हम देख चुके हैं लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, कुल 22 सदस्य होते हैं। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही कई बार दिया है, आसान है। लोकसभा की प्राकलन समिति की समय अवधि क्या होती है, तो इसकी भी समय अवधि जो है 1 वर्ष होती है। और प्राकलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और ये 300 सदस्य जो है केवल लोकसभा के होते हैं। ये फैक्ट भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट समिति है। फिर कह रहा है कि केंद्रीय प्राकलन समिति में शामिल है, क्या शामिल है, तो 30 सदस्य जो है इसमें होते हैं, अभी हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1977 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, अर्थात प्रधानमंत्री जनता पार्टी, वो प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई जी बने थे, जो कि जनता पार्टी से थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।